विद्यार्थियों सुप्रभातम। आज हम पहला लेसन पढ़ रहे हैं। सबसे पहले प्रथम पाठ के जो शब्दार्थ हैं उनको नोटबुक में उतारो और उनको याद करो। उसके बाद हम पहले लेसन का पहला पाठ का अध्ययन करते हैं। पहला पाठ है अपना सुभाष सितानी। सुभाष सितानी का अर्थ क्या होता है? सुभाष सितानी यानी सुंदर वचन, सुंदर वाणी, सुंदर सूक्ति। तो सुभाष सितानी यानी सुंदर वचन, सुंदर वचन। ये क्या है? ये चीजें हम अपने जीवन में उतारनी चाहिए। तो आज हम इन चीजों के बारे में पढ़ते हैं और हम इनको अपने जीवन में उतारेंगे। पहला इसमें श्लोक है, पृथ्वी नाम तेरणे रत्नानि जल अन्नम सुभाषितम मूढ़ै पाषाण खंडेषु रतन संज्ञा विद्यते। पृथ्वी नाम, पृथ्वी नाम यानी पृथ्वी के ऊपर, तीर्णि यानी तीन, रत्नानि यानी रतन है। पृथ्वी के ऊपर तीन रतन है। जल अन्नम संधि है इसमें, इसके दो भाग करते हैं, विच्छेद करते हैं संधि का। तो जलम धन अन्नम, जलम यानी जल, अन्नम यानी अन्न। सुभाषितम अभी बताया था सुंदर वचन। मूढ़े, मूढ़े यानी मूर्ख लोग, पाषाण खंडेषु पत्थरों के टुकड़ों में या पत्थरों के टुकड़ों को, रतन संज्ञा रत्न की संज्ञा विद्यते देते हैं। तो पृथ्वी पर तीन रत्न है, कौन कौन से? जल अन्न और सुंदर वचन। तो पृथ्वी पर कितने रत्न बताए हैं? तीन रत्न होते हैं। पहला जल अन्न और सुभाषितम सुंदर वचन। परंतु क्या है? मूढ़े यानी मूर्ख लोग पत्थर के टुकड़ों को रत्न की संज्ञा देते हैं या रत्न कहते हैं। तो मूर्ख लोगों की क्या पहचान बताई? कि मूर्ख लोग हैं वो पत्थर के जो टुकड़े होते हैं उनको क्या देते हैं? रत्न की संज्ञा देते हैं। बल्कि रत्न तो पृथ्वी के ऊपर तीन ही है, कौन से? जल अन्न और सुंदर वचन। क्लियर। दूसरा है अपना सत्येन धारयते पृथ्वी, सत्येन तप्ते रवि, सत्येन वाति वायुश्च, सर्वं सत्येन प्रतिष्ठितम्। सत्येन यानी सत्य से, धारयते यानी धारण किए हुए, पृथ्वी ही यानी पृथ्वी, पृथ्वी है वो क्या है? सत्य को धारण किए हुए है, सत्य ही है पृथ्वी है वो क्या है? सत्य को धारण किए हुए है। सत्येन तप्ते रवि, रवि यानी सूर्य, तप्ते यानी तपता है, सत्येन यानी सत्य से, सत्य ही है कि सूर्य है वो क्या है? तपता है, जलता है। सत्येन वाति वायुश्च है, सत्य यानी सत्य के लिए या सत्य से ही, वाति यानी बहती है, वायु धन चय, इसका विच्छेद करोगे तो क्या हो जाएगा? वायु धन चय, वायु यानी हवा, चय यानी और सत्य ही है कि वायु है वो क्या है? बहती है। सर्वम सत्य प्रतिष्ठितम, सर्वम यानी सभी जगह है, सत्य क्या है? प्रतिष्ठित है या स्थापित है। तो इसके शब्दार्थ क्लियर हो गए होंगे। तो भाव क्या हो जाएगा? सत्य है वो, सत्य को क्या है? पृथ्वी ने धारण कर रखा है। सत्य है कि सूर्य है वो क्या है? तपता है, जलता है। सत्य है कि वायु है वो क्या है? बहती है। तो सभी जगह सत्य है वो क्या है? स्थापित है। तो क्या हो जाएगा इसका भाव? कि सत्य है कि पृथ्वी, सत्य को पृथ्वी ने क्या कर रखा है? धारण कर रखा है।
बहती है, इसलिए सभी जगह सर्व ही सॉरी सत्य ही क्या है स्थापित है प्रतिष्ठित है। ये था अपना दूसरा श्लोक। अब तीसरा श्लोक है दाने तपसी सौर्य चय विज्ञानी विनय नये विस्मयो नहि कर्तव्यो बहुरत्न वसुधरा। दाने दान दान दक्षिणा किसी को दी जाती है, तपसी यानी तपस्या, सौर्य यानी सौर्य वीरता सूर्यवीरता, चय मानी और विज्ञानी यानी विज्ञान जो भी शोध के कार्य है या कोई आविष्कार है वो क्या इसके अंदर आता है विज्ञान के अंदर। विनय यानी नम्रता अर्थात विनम्रता, नए यानी नीति, विस्मय विस्मय का अर्थ होता आश्चर्य, नए मानी नहीं ये मानी निश्चय ही कर्तव्य यानी करना चाहिए, बहुरत्न बहुत से रत्न है वसुधरा यानी पार्थिव बाल। तो दान तपस्या वीरता विज्ञान विनम्रता और नीति इनमें क्या है कभी भी इनके बारे में आश्चर्य नहीं करना चाहिए क्योंकि बहुत से रत्न हैं वो इस पृथ्वी के ऊपर हैं। तो इन चीजों के बारे में क्या कहा है कि कभी भी आश्चर्य नहीं करना चाहिए कि कितना दान हो गया कितने तपस्वी कितने सूरवीर विज्ञान ने क्या कर दिया विनम्रता और नीति इनके बारे में कभी भी आश्चर्य नहीं करना चाहिए क्योंकि पृथ्वी के ऊपर बहुत से रत्न होते हैं। थैंक यू। आज ये 3 श्लोक हैं समझ में आ गए होंगे। आगे का जो भाग